हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे टाइटल ब्लॉक के बारे में। और ये टाइटल ब्लॉक जो हम लोग यूज करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, ये टाइटल ब्लॉक बनाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइटल ब्लॉक जो बनाते हैं उसमें जो ड्राइंग जो सीट यूज करते हैं उस सीट का साइज क्या होता है। इसमें डिफरेंट साइज के सीट यूज करते हैं। ए नोट साइज होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, और सारे सीट का डायमेंशन अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ए नोट साइज होता है इसका ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज। अनट्रिम साइज कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्चुअल जो सीट का जो डायमेंशन है वो अनट्रिम साइज कहलाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन लेते हैं। मार्जिन लेने के बाद जो हमारा डायमेंशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम साइज। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ए नोट जो सीट है और इसका डायमेंशन, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्चुअल डायमेंशन है सीट का, ठीक है, और अनट्रिम साइज जो है इसका एक्चुअल डायमेंशन है 880, और सारे डायमेंशन हम लोग एमएम में लेते हैं, और ये जो है ये है 1230। जब इसमें हम ट्रिम करते हैं तो जब इसमें मार्जिन लेने के बाद हमारा जो साइज होता है वो ये है 841, और ये जो डायमेंशन है ए डायमेंशन है 1189। तो ये हमारा अनट्रिम साइज हो गया 880 × 1230, और ट्रिम साइज हो गया 841 × 1189। ये हमारा ए नोट साइज का डायमेंशन हो गया। अगेन A1 जो सीट होता है इसका ट्रिम साइज है 594 × 841, और अनट्रिम साइज है 625 × 880। ए नोट जो सीट है इसका ट्रिम साइज 420 × 594, अनट्रिम साइज जो है 450 × 625। ए थ्री सीट है इसका ट्रिम साइज 297 × 420, और अनट्रिम साइज जो है 330 × 430। ए फोर जो सीट है इसका ट्रिम साइज 210 × 297, और अनट्रिम जो साइज है 240 × 330। ए फाइव जो सीट है इसका ट्रिम साइज 148 × 210, और अनट्रिम जो साइज है 165 × 240। और जनरली हम लोग जो सीट जो यूज करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो A1 साइज का सीट हम लोग लेते हैं। और हम लोग टाइटल ब्लॉक जो बनाते हैं ये बॉटम में बनाते हैं कॉर्नर, ठीक है, बॉटम में बनाते हैं यहां पे राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग सीट। यहां पे हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो एक्चुअल जो सीट होता है उसमें हम लोग फिर मार्जिन लेते हैं, ठीक है, ट्रिम करते हैं, और मार्जिन लेने के बाद हम लोग यहां पे, ठीक है, राइट हैंड साइड में बॉटम में हम लोग यहां पे टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। और इसका जो हम लोग डायमेंशन लेते हैं ये हमारा 160 mm, और ये जो हम लोग डायमेंशन लेते हैं ये हमारा 63। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्टीशन करते हैं, और इसमें हम लोग सारा इंफॉर्मेशन सीट के बारे में लिखते हैं। जो हम लोग देखते हैं ये टाइटल ब्लॉक है, और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका लेंथ जो है 160 mm है, और इसका जो विड्थ है वो 63 mm है। ये जो 63 mm है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो एक जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 9 mm का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एक 1 mm का गैप रखा है, और यहाँ से भी 1 mm का गैप रखा है। सारे हम ब्लॉक में इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये 1 1 mm का इसमें गैप रखे हैं, और यहाँ से 4 mm डिस्टेंस छोड़ करके हम आगे इसमें लिखेंगे। तो इसका जो हाइट जो होगा वो कितना होगा, बीच का 7 mm होगा। इस 7 mm में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं हम 160 mm
जो हमने डायमेंशनिंग जो रिप्रेजेंट किया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है एक्सटेंशन लाइन है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्सटेंशन लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं कि 160 जो लिखा हुआ है, जनरली क्या होता है कि प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन दो तरीके का होता है, एक हम लोग अलाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो अलाइन सिस्टम में क्या होता है कि जो लाइन हमने जो ये खींचा है इसके ऊपर में हम लोग लिखते हैं, और जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है, ये एरो सॉलिड हम लोग एरो में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो रेशियो हम लोग रखते हैं 1/3 का रेशियो होता है ये। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 1 mm का है तो ये इंक्लाइन जो होगा वो 3 mm का होगा, अगर ये 1 mm है तो ये 3 mm होगा, 2 mm है तो ये 6 mm का होगा, और ये हॉरिजेंटल से 45 degree के एंगल पे होगा, और यहाँ से भी हॉरिजेंटल से 45 degree के एंगल पे होगा। तो हम लोग इसको सॉलिड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशियो क्या रखते हैं, 1/3 रेशियो रखते हैं। सिमिलरली इसमें भी ये जो लाइन हम लोग जो रिप्रेजेंट किया है इसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, और ये डायमेंशनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 63। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से 40 mm मेजर करेंगे स्केल से, और मेजर करने के बाद यहाँ से लाइन खींचेंगे। ठीक है, टू जो ब्लॉक है, टू ब्लॉक में यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन 40 mm लेंगे, और यहाँ से जो फोर ब्लॉक है, फोर ब्लॉक से हम इसको लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 40 और 40 कितना हो गया, 80 mm हो गया। अगेन ये जो हमारा जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, 80 mm का रहेगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो ब्लॉक है इसमें हमें कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आप कॉलेज में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या आएगा, कॉलेज नेम। कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, सेकंड जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमारा आएगा नेम आएगा, स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम रहेगा वो नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये भी जो भी हम जो हाइट लिख रहे हैं वो कितना है, 7 mm का हाइट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक में हमारा क्या आएगा, टाइटल नेम, जो भी आप सीट बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल नेम आएगा, टाइटल नेम, यहां पे टाइटल नेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीट नंबर मेंशन करेंगे, सीट नंबर जो भी है, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी सीट नंबर होगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है इसमें हमें क्या लिखेंगे, डेट, जिस डेट को आप सीट बना रहे हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। इस ब्लॉक में हमें जो मेंशन करना है, इस ब्लॉक में आपका सेक्शन या बैच, जिस भी सेक्शन में आप स्टडी करते हैं उसका सेक्शन आएगा यहाँ पे, सेक्शन, या अगर बैच है तो बैच अभी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर जो हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे रोल नंबर, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर है या यूनिवर्सिटी रोल नंबर है उस रोल नंबर को इसमें ब्लॉक में मेंशन करना है। ठीक है, इस ब्लॉक में जो हमें आएगा वो चेक्ड बाय, चेक्ड बाय, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उस टीचर जो है यहां पर साइन करेगी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चेक्ड बाय। इस ब्लॉक में हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, यहां पे आता है आपका क्या, स्केल आएगा, स्केल, स्केल हम लोग जनरली यहां पे लिखते हैं 1:1। 1:1 लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा जो डायमेंशन है वो फुल साइज स्केल है। ठीक है, होता क्या है कि जनरली 3 types ऑफ स्केल हम लोग यूज करते हैं, फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा जो एक्चुअल जो डायग्राम है उस जो डायग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, सीट के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल डायग्राम है उसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1:1। दूसरा हमारा होता है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसको सीट में ड्रॉ करना है
तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल जो साइज है ऑब्जेक्ट का, उस एक्चुअल साइज को हमने छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। जैसे मान लेते हैं कि आपने कितना टाइम्स रिड्यूस किया, 20, जैसे 20:1, ठीक है। ये हमारा, ये तो इन लार्ज स्केल के अंदर आएगा, सॉरी रिड्यूसिंग स्केल की हम बात कर रहे हैं, जैसे 1:20, ठीक है। तो ये हमारा 20 टाइम्स जो एक्चुअल जो साइज था, एक्चुअल साइज से मैंने 20 टाइम्स उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग स्केल के अंदर आता है। इन लार्ज स्केल, इन लार्ज स्केल अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा चिप है और उसको हमें ड्रॉ करना है सीट के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का, उस साइज को हम इनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, और बड़ा करके हम ड्रॉ करेंगे सीट के अंदर। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया कि 20:1, यानी हमने 20 टाइम्स जो है एक्चुअल जो साइज था ऑब्जेक्ट का, उसको 20 टाइम्स मैंने इंक्रीज कर दिया, बड़ा कर दिया, और उसको हम फिर सीट के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा आता है किसके अंदर आता है, ये इनलार्ज स्केल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और हम लोग जो यहाँ पे जनरली ड्रॉ कर रहे हैं वो फुल साइज स्केल में करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1:1 लिखते हैं। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्शन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो भी ड्रॉइंग करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करते हैं, अदर कंट्री में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो भी हमने सीट जो ड्रॉ किया है, ठीक है, वो फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए यहां से यहां, ठीक है, ये कितना हमारा है 18 mm का है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसमें बीच में हमने अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूं, ये 6 mm ले लिया और ये हमने 10 mm ले लिया, ठीक है, और इस लाइन को इसको यहां से यहां इसको ज्वाइन करा दिए, ठीक है। इसको यहां से देखिए, इसको ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे और यहां से प्रोजेक्शन लेने के बाद इसको ड्रॉ कर दिया, फिर अगेन यहां से हमने प्रोजेक्शन लिया और इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉन्ग डॉट डैश लाइन, लॉन्ग डॉट डैश लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल बोलते हैं, प्रोजेक्शन सिंबल। तो इसमें, ठीक है, प्रोजेक्शन सिंबल इसको बोलते हैं। तो इसको कंप्लीटली जो है टाइटल ब्लॉक हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे टाइप ऑफ लाइंस, कि हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं, अलग अलग पेंसिल का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो कौन से पेंसिल का कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे उसका हम यूज करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।